कैसे पता लगा आपको, थोड़ा बता दीजिए। हम लोग को भी ये टीवी के माध्यम से ही पता चला है। 7:15 बजे हम लोग टीवी खोला तो उस टाइम पता चला कि ये अमृतपाल जी ने अपने आप को खुद पेश किया, तो हम लोग को थोड़ा ठीक लगा। हम लोग भी वैसे भी चाह रहे थे कि उनकी वजह से इन्हें लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो चलो हालात ऐसे बनाए, नहीं तो अगर सरेंडर करने की बात होती थी इधर भी 18 तारीख को किया जा सकता था, लेकिन चलो जो ड्रामा होना या जो जैसा भी होना था, गुरु महाराज की खेड़ है, वो हो गया। तो हम लोग ठीक है, आज हम लोग एक मन में डर था। हाँ। उनके मदर और आप में भी कहाँ है हमारा बच्चा, अब साबित सूरत उसी हालात में, कैसा लग रहा है? नहीं, हम लोग को उसकी जिंदगी से भी उसका सीखी ज्यादा जरूरी समझ रहे थे हम लोग। तो हम लोग आज उसका, जैसे पहले कई फेक वीडियो वगैरह चल रही थी, तो हम लोग के मन को काफी दुख था, लेकिन आज हम लोग को गुरु महाराज, हम लोग पठानकोट शुक्र करते हैं कि उन्होंने हाथ दे के उसको सही स्वरूप में, वैसे ही चढ़ती कला में उसको, आज उसका हम लोग वीडियो देखा, तो जो बात कर रहे थे वो आज भी उसके ऊपर कायम है, तो हम लोग को बहुत मान महसूस हो रहा है उनके ऊपर भी। अंकल एनएसए लगाकर उनको डिब्रूगढ़ भेजा गया और कई चीजें कहते हैं कि वो वोड़ा लफ्ज कि हमने अरेस्ट किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? लेकिन ये चीज तो आज आपके सामने ही है ना, आप वो आपने भी देखा होगा, हम लोग से तो आप लोग को ज्यादा जानकारी है, लेकिन उनका जो उनका खुद का स्पीच है उसमें वो कह, मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ, तो बाकी तो अभी जहाँ उधर के जो लोग हैं, जो उधर मौजूद होंगे, वो बेहतर बता सकते हैं जी। हम लोग जैसे बाकी परिवारों ने जो डिब्रूगढ़ में अरेस्ट है, उनसे मिलना जाए, आप भी कोशिश करेंगे उनसे मिलने में केस में? पहले बात तो हम लोग को उनको जो पहले आदमी उधर पहुंच चुके हैं डिब्रूगढ़, उनके परिवारों को हम लोग 2 टाइम मिल चुके हैं, तो फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। पहले तो हम लोग का ये थर्सडे को जाने का, उसे बुधवार को जाने का प्रोग्राम था, लेकिन अभी थोड़ा शायद हो सकता है कि एक हफ्ता हम लोग थोड़ा आगे कर दें कि अभी इनका भी परमिशन आरा वगैरह लेके इनको भी मिल ले, तो केस लड़ेंगे इनसे। केस तो लड़ेंगे जी, ये तो पूरी कौम को लड़ना चाहिए उनके लिए, क्योंकि कौम का काम कर रहा था, नशे के खिलाफ काम कर रहा, लोगों को बचाने का काम कर रहा था, तो इसलिए हम लोग तो, कौम के लोग भी, श्रोमणी कमेटी ने भी हम लोग को ऑफर किया है, पहले से भी उन्होंने कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग उनका भी धन्यवादी हैं, जो आदमी इनके हेल्प में आ रहे हैं। तो आप कहेंगे जो गलत शब्द बोले जा रहे हैं, कोई इल्जाम लगा, उस पर रोक लगानी चाहिए? हाँ जी, वो तो लगनी चाहिए। इल्जाम तो पहले से ही कि वो खाली नशों के खिलाफ काम कर रहे थे, तो लेकिन जो गवर्नमेंट को उनका सहयोग करना चाहिए था, उनको बदनाम करके नशे वाले को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम लोग को तो इस चीज का तो काफी दुख है कि एक जो सही काम कर रहा, लोगों को बचाने के कारण, नौजवानी को बचा रहा था, नौजवानी को सही रास्ते पे ला रहा था, तो उसको बदनाम करके अब कोई ये बढ़िया अचीवमेंट नहीं है, हमारे गवर्नमेंट के लिए भी बदनामी का कारण है। एक साइड में बोल रहे हैं कि हम नशा खत्म करेंगे, एक नशा खत्म करने वाले को खत्म कर रहे हैं।